वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। वेलकम टू लेह लद्दाख। जी हाँ, मैं लेह लद्दाख रोड ट्रिप पे हूँ और आज से जो है वो बाइक राइड स्टार्ट होने वाली है और आज जो है वो हम सब कुछ लेह लद्दाख में एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज का जो रूटीन होने वाला है वो ये है कि कल नाइट जो है मैं लेह पहुँच चुकी थी और नाइट स्टे मेरा लेह में था, लेकिन आज का जो स्टे है वो नुब्रा वैली में होगा जो कि लद्दाख की खूबसूरत वैलियों में एक है। उसके साथ साथ आज हम जाएंगे अपने बाइक राइडर्स के साथ, वो जाने वाले हैं वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट मोटेबल पासेस में से एक, जो कि है खार दुंगला पास। नाम तो सुना होगा, हर एक बाइकर का सपना, हर एक ट्रैवलर का सपना है वहाँ पहुँचने का बाइक से। तो वो मैं जाने वाली हूँ आज बाइक से, वो बताने वाली हूँ कि आप जब लेह लद्दाख आते हो बाइक राइड करने के लिए और बाइक आप रेंट पे लेते हो तो उसके साथ साथ आपको रेंट पे क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और बाइक का क्या कॉस्ट आएगा रेंट का पर डे के हिसाब से, वो सब कुछ आपको मैं इसमें बताऊँगी इस वीडियो में। तो फिलहाल लद्दाख एक्सप्लोर करूँगी मैं, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट रेडी होकर निकलते हैं अपने आज का जो हमारा रूटीन है, आज जो भी चीज़ें हमें कवर करनी है, आज जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है वो सब चीज़ें हम आज बताएंगे आपको। तो चलिए इस वीडियो को, इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मज़ा तो आपको आने वाला है, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये बता दो कि मैंने जिस कंपनी के थ्रू ये ट्रिप पूरा ऑर्गेनाइज किया है तो शायद इसमें कोई लड़की नहीं है, तो सारे बॉयज़ हैं जिनके साथ में अकेली सिंगल गर्ल जो मैं राइड पे जाऊँगी। हालांकि जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है वो आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। वो वैली देखने चलते हैं, वो खूबसूरत से नज़ारा देखेंगे, साथ में बाइक राइड का मज़ा लेंगे। एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ जहाँ मैंने स्टे किया है। उससे पहले आप देखिए बाहर का नज़ारा लेह का, बहुत ही अमेजिंग है, एक अलग ही फीलिंग आएगी। हालांकि ऐसी फीलिंग मुझे स्पीति में आई थी, वापस से लद्दाख में आ रही है। चलिए क्विक रूम टूर देती हूँ मैं आपको। एक ब्यूटीफुल सा गेस्ट हाउस है, होटल बोल सकते हो, जो कि लेह ओल्ड मार्केट में है जहाँ मैं स्टे की हूँ। काफ़ी अच्छा होम स्टे है, न्यू प्रॉपर्टी है और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना अच्छा नीट एंड क्लीन कमरा है। मेरा सिंगल रूम था, ये रूम है मेरा और आप स्पेस देख लो। ये एंट्री में वॉशरूम है और ये रूम है, बाथरूम है, मिरर है, साथ टीवी भी है। और सबसे अच्छा है कि यहाँ का जो नज़ारा है मार्केट का, ये आपको देखने को मिलेगा। ये देखो एकदम रोड साइड ही है, तो आप देख रहे हो कि कितना अच्छा होटल है, गेस्ट हाउस है, सिंधु गेस्ट हाउस। और ये जो मेरा पूरा लद्दाख ट्रिप है ये एक कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है, वो आपको एंड में पूरी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं बताऊँगी कि इसका बजट कितना था और किस कंपनी ने ये सारा ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया। या आपको जब भी लद्दाख का प्लान करते हो तो आपकी आइटनरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको कैसे अपने बैग पैक करने हैं, किस टाइप के कपड़े ले जाने हैं, वो सब कुछ मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी जो जब ये सीरीज़ एंड होगी। फ़िलहाल 24 के नाइट में निकली थी दिल्ली से, 25-26 दो दिन के बाद पहुँची मैं लेह। हालाँकि किलोमीटर भी अगर देखा जाए तो दिल्ली टू श्रीनगर का किलोमीटर डिस्टेंस है लगभग 900 किलोमीटर और उसके बाद श्रीनगर टू लेह का जो है डिस्टेंस वो ऑलमोस्ट 500-600 के आसपास है किलोमीटर। तो टाइम काफ़ी जाता है इस ट्रैवलिंग में, लेकिन जब आप रोड ट्रिप पे हो तो आपको हर एक चीज़ एंजॉय करनी चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप लॉन्ग ड्राइव पे कैसे 32 आवर्स कैसे रह सकते हो, वो सब कुछ आपको पता चलता है। और आप लद्दाख आते हो और आपने बाइक राइड नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो आज से जो है वो मेरी बाइक राइड स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगी मैं। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है तो ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। नाश्ता में है आलू के पराठे, कर्ड बटर, सब कुछ है, बहुत टेस्टी है, गर्मा गर्म पराठा, बहुत अच्छी सर्विस है। नेक्स्ट टाइम आपको मैं नंबर शेयर करूँगी, आप ज़रूर उनकी बुकिंग करो अगर आप विदाउट पैक के साथ हो तो मज़ा आ गया। चलिए
तो ये बॉन्ड किस लिए साइन हो रहा है? ये सवारी अपने सामान की कुछ जिम्मेदार है। अच्छा, यानी कुछ भी डैमेज होगा, पैराग्लाइडिंग करते हो तो कैसा है? हाँ समझ गया वैसा। बाइक का जो इंटरनल डैमेज होता है ना मैम, हाँ। जो डैमेज होता है वो हमारी जिम्मेवारी है। okay. जो बाहर से मतलब घिर के टूट जाएगा ना, अच्छा। फिर ये क्लाइंट लोग खुद पे करना पड़ता है। अच्छा, तो इसलिए ये तो हमारे जो बाइक राइडर हैं ये लोग अब बॉन्ड साइन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मतलब बाइक का रेंट कितना आता है एक दिन का, अगर कोई ऐसे आएंगे तो इन्फॉर्मेशन? बाइक का रेंट कितना एक दिन का? योगेश भाई, बाइक अगर मुझे रेंटल अगर एक दिन लेना हूं, मैं ऐसे इंडिविजुअली आ रहा हूं, तो एक दिन का बाइक का रेंटल कितना रहता है? मतलब 1700-1800, उसमें पेट्रोल इंक्लूडेड नहीं है? इंक्लूड नहीं है। अच्छा, 1700-1800 के आसपास होती है बाइक की कॉस्टिंग, रेंटल एक दिन की? ओके। अच्छा, उसके अलावा फ्यूल और ये जितने भी गियर्स और ये मतलब ये सब तो अच्छा सब कुछ रेंट पे अवेलेबल हो जाता है? हेलमेट इज फॉर 300 पर डे। ओके, सब कुछ अच्छा, तो सब कुछ ऐसा आपको रेंट पे मिलेगा और सबकी कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी जितने दिन के लिए आप यूज़ करो पर डे के हिसाब से। तो अभी क्या है कि ना हमारे राइडर, बाइक राइडर जो है तैयार हो चुके हैं, जो हमारे साथ दिल्ली से सफर करके यहाँ तक सफर तय किए थे। बाइक रेडी है, मैं रेडी हूँ। और आप जानना चाहोगे कि अगर आपको बाइक राइड का शौक है लेकिन आपको बाइक राइड करने नहीं आती, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप शेयरिंग में ले सकते हो, पीछे बैठ करके भी बाइक का एंजॉय कर सकते हो राइडिंग का। और ये भैया है जो कि यहाँ के ऑनर है, इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी। रात को लेट नाइट आए फिर भी खाना बिल्कुल गर्म था और रूम एकदम नीट एंड क्लीन था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। फिलहाल आज का सफ़र हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरी बाइक होने वाली है जिसपे मैं जाने वाली हूँ योगेश जी के साथ, और ये हैं गाइड हमारे, और सारा शूट भी ये करने वाले हैं, सारा शूट भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाँ, और फिर हम लोग लेह लद्दाख फिर से आएंगे वापस सेलिब्रेशन के लिए। पक्का। तो फिलहाल आज का ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, आज का स्टे है नुमरा वैली और आज जाएंगे खारदुमला पास। चलते हैं, सारे बाइकर्स की बाइक निकल रही है एक एक करके। तो अब मैं इन लोगों को ज्वाइन करने जा रही हूँ। यहाँ पे हो रही है परमिट की चेकिंग और अभी जो हम जा रहे हैं खारदुमला पास जा रहे हैं। अभी जो हूँ मैं लैंड ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पासेस बोलते हैं लद्दाख, और इधर की बाइक की चेकिंग हुई और यहाँ परमिट चेक हो रहा है। पूरे ड्राइव बाहर है हमारे बाइकर्स। क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है बाइक में? प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, आपकी बड़ी सबकी लाइफ को बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पटपटन देते देखो। अरे लॉन्ग टाइम नो सी मैडम। अभी हम लोग हैं खारदुमला के रास्ते और यहाँ से टोटल 25 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है खारदुमला, जिसे वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पासेस में से एक बोला जाता है। वैसे तो लद्दाख लैंड ऑफ हाई पास माउंटेन पासेस बोलते हैं। रास्ते पूरा जाम लग गया है क्योंकि ऊपर ना से पत्थर गिर रहे हैं, तो इस वजह से रोक दिया गया है गाड़ी को। 10-15 मिनट में शायद निकल जाएंगे। ये पूरा ग्लेशियर है इधर से, ये पूरा ग्लेशियर जंगला बोल सकते हैं, जो वो इधर ना होता वो स्टॉप कंगरी, स्टॉप कंगरी। अच्छा, वो वाला स्टॉप कंगरी है। अच्छा, वो वाला ये वाली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये वाला स्टॉप कंगरी है। रफू नुब्रा सी यू देन। कहाँ छे तो बाय सेवन। तो पत्थर है, देखिए ओके देखिए। ऐसी रोड होने वाली है ऑफ रोड, 30 किलोमीटर्स तक ऐसी ही राइड होगी। अभी बीच बीच में सही है, बीच बीच में खराब है, सही है।
तो स्पेशली लोग यही मजे लेने आए हैं राइड बाइक का, तो यही एडवेंचर है। हाँ, फिर नुब्रा कितना दूर है यहाँ से? नुब्रा अराउंड होगा जैसे 130 अराउंड होगा, तो यहाँ से 100 हाँ अभी आप मान के चलो कि 100 किलोमीटर 110 मान के चलो। तो अभी जहाँ पर मैं हूँ वो भाभी ऑक्सीजन लेवल कम है, और ये जो है आप देख रहे हो सिज है, ये वर्ल्ड हाईएस्ट पास है जिसे थार दुंगला बोलते हैं, जिसका जिसकी हाइट है 17,900 समथिंग, और हर एक बाइकर का सपना होता है यहाँ, और उनको जो है वो गोमता है, इसको गोमता बोलते हैं, इनका कुछ पूजा पाठ यहाँ होता है, और काफ़ी हाइट भी है, पता नहीं चल रहा लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट भी है। और ये आप देखो फाइनली पहुँच गई, और यहाँ से आप देख रहे हो ये सारी जगह है, यहाँ से क्रॉस होती है, इधर ले है, इधर अंडर विलेज है, और सब कुछ इधर ही है। तो हम लोग जो अभी हैं वो टॉप ऑफ दी वर्ल्ड हाईएस्ट पासेस पे हैं, लद्दाख को जो है सेकंड हाईएस्ट है ये, और लद्दाख को जो है लैंड ऑफ हाईएस्ट पासेस बोला जाता है लद्दाख। और थोड़ी ऑक्सीजन लेवल कम है, ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन ठीक है, सरवाइव करना उतना मुश्किल नहीं है, पर सही है। तो चलिए अब आगे की जर्नी करते हैं, और आगे हम जाएंगे नुब्रा वैली को, जो कि शायद 100 किलोमीटर के आसपास है, रुकते रुकते जाएंगे, शाम तक पहुंचने का प्लान है। तो अभी हम नॉर्थ कुल्लू पहुंचे और यहाँ पे लंच कर रहे हैं, लंच में यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट मैगी फ्राइड राइस और चाउमीन ये सब मिल रहे हैं, और सामने व्यू के साथ नज़ारे देखते साथ आप लंच एंजॉय कर सकते हो अपना। हम इन कर चुके हैं, और अगर आपको एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पे बोटिंग के साथ साथ ये भी एक्टिविटी होती है, जहाँ पे इनके अलग से चार्जेस पे करने पड़ते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो टाइम लेकर के। और मेरे जो है पीछे साइड से यहीं पे रिवर राफ्टिंग होती है, जहाँ पे बोटिंग रिवर राफ्टिंग एक्टिविटीज़ लोग इन्जॉय करते हैं, आगे और भी एक्टिविटी होती है, तो हम उधर भी चलते हैं, एक्टिविटी देखते हैं कि क्या क्या यहाँ होता है। फिलहाल ये जो हमारे साथ वैन जा रही है, ये हमारी लगेज की वैन है, तो अगर किसी को अनकंफर्टेबल होता है बाइक से तो वो इससे भी जा सकते हैं, तो ये हमारे बैकअप कार है, कार की तरह आप बोल सकते हो, जिसमें हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमारे साथ जा रही है। यहाँ पर जो है ये होती है, क्या होती है, गो कार्टिंग। हाँ, यहाँ पे गो कार्टिंग होती है, और ये एक्टिविटी वाला ही पूरा एरिया है यहाँ, मतलब सारी कुछ एक्टिविटी आपको आगे चल के मिलेंगे, तो इसके भी अलग से यहाँ चार्जेस आप पे करके कर सकते हो। तो बोलते हैं ये आपको जगह जगह पर मिल जाएगा, लद्दाख में मिलता है, स्पीति में भी बहुत देखने को मिलेगा, और ये एक्टिविटीज फ्री में ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी होती है वो सामने से दिख रही है, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये राफ्टिंग हो रहा है, राफ्टिंग
फ्री में राफ्टिंग हो रहा है, ये गो कार्टिंग है। पर ये पानी किधर से आता है? ये पानी ये इस साइड से आ रहा था। लेक वेक का पानी था? नहीं, लेक वेक नदी है। तो यहाँ पर जो है जिप लाइनिंग भी हो रही है, और जिप लाइनिंग का जो कॉस्ट है वो 3000 पर पर्सन, 2500 पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं जिप लाइनिंग का। तो अभी हमारा ग्रुप जो है यहाँ रुक गया है, शायद वो जिप लाइनिंग करने वाले हैं कुछ लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है बाग का बाग फिल्म मेकर पॉइंट, शायद फिल्म की शूटिंग इधर ही हुई है इस वजह से। वैली का आपको फटाफट एक क्विक रूम टूर देती हूँ। ये मेरा पर्सनल रूम है जो मुझे दिया गया है स्टे के लिए। ये आप देखो कितना खूबसूरत से मैं तो डेकोरेट है, एकदम न्यू प्रॉपर्टी लग रही है, और बहुत अच्छा अरेंज किया है। वॉशरूम देखो काफ़ी स्पेसियस बड़ा है, और अच्छी बात क्या है ना यहाँ की, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ ना दो बालकनी है, एक बालकनी जो है वो मेरी इस तरफ है, ये देखो इतना बड़ा शानदार सा, और ये सोफ़ा भी है। और दूसरी बालकनी जो है ये तो और मतलब दिल खुश हो जाता है देख करके, ये देखो। और ये सामने है ना टी हाउस है, यहाँ पे कॉफ़ी टी आप मंगवा सकते हो, ये सारा कुछ करते हैं। मतलब मैं सच पूछो ना, तो सच बताओ ना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको कल सुबह खाली करूं। और यहाँ के ऑनर भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे, बहुत केयरिंग है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, लग रहा है। ये डाइनिंग एरिया है जहाँ मैं स्टे की हूँ नुमरा वैली में, और यहाँ खाना डिनर जिसमें वेज नॉन वेज दोनों है। और इंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी लगा हुआ है, काफी अच्छा है। कैसा है खाना? रिव्यू फीडबैक चाहिए। अच्छा है, चलो अन्ना को पसंद आ गया। आप बताओगे कुछ खाना कैसा था?